नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रक्त संबंध के इशारा वाले दो ऐसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जिसे UPSI 2017 की ऑनलाइन परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स लिखे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम सरलीकरण और तीर ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सरलीकरण में कुछ ऐसे शब्द लंबे होते हैं जिसे हम छोटा करके लिख सकते हैं। ऐसे शब्दों को आप अगर एक बार ध्यान से देख भी लें तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैं स्लाइड लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए, इनको आप एक बार आत्मसात करने का प्रयास करिएगा। जैसे अगर लिखा रहेगा वाक्य में मेरे पिता की बहन, तो इसको काटकर आप लिख सकते हैं मेरी बुआ या फुआ। और लिखा रहेगा मेरी माता की बहन, तो इस शब्द वाक्य को काटकर आप लिख सकते हैं मेरी मौसी। तो ऐसे ही बड़े वाक्य को हम छोटा करके लिख सकते हैं। इसे ही मैंने नाम दिया सरलीकरण। और तीर ट्रिक जो हम पीढ़ी के हिसाब से ऊपर नीचे बनाते हैं, उसके माध्यम से भी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और कभी कभी दोनों ही ट्रिक का इस्तेमाल हम एक साथ करते हैं जरूरत के हिसाब से। तो आइए इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है और यहां पर मैंने लिखा है यह वह। तो यह वह का मतलब क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं विभाजक रेखा ट्रिक। विभाजक रेखा ट्रिक का मतलब यह है कि मेरा या मेरी से ठीक पहले एक लाइन खींच दीजिए, उसके बाद इतने को एक बार में सरल करिए और इसके बाद इतने को एक बार में सरल करिए। फिर से सुनिए, मेरा या मेरी से ठीक पहले एक लाइन खींचना है, आधे को एक बार खोलना है, डिकोड करना है, यानी इसका मतलब क्या होगा और इसका मतलब क्या होगा अलग से सरल करना है। और मेरे के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किसके लिए आता है? तो इनके पति, जैसे इसमें लिखा है, तो इस शब्द के लिए आएगा। ये बात है याद रखिए। उसी तरह से इसमें अगर मेरा या मेरी से पहले एक लाइन खींच दिया जाए तो मेरा के बाद ये सारा वाक्य का जो सरलीकरण से रिजल्ट आएगा वो किसके लिए आएगा? तो वह के लिए आएगा। उसी तरह से मेरे दादा के इकलौते बेटे का जो भी रिजल्ट यहां पे गिरेगा वो किसके लिए गिरेगा? इनके पति के लिए गिरेगा। यहीं पे लोग कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं इस बात को दो बार रिपीट करके आपको आत्मसात कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो लिखा है यह वह की जगह पे आता है जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जैसे किसी तस्वीर की तरफ इशारा, किसी व्यक्ति का परिचय देते हुए इशारा, यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए वह व्यक्ति का नाम या वह व्यक्ति यह वह की जगह पे आता है। जैसे एक महिला का परिचय कराते हुए, यानी कि महिला की तरफ इशारा किया गया है, तो इनके पति, एक महिला जा रही है अगर, तो उसकी तरफ इशारा परिचय कराते हुए एक व्यक्ति आदमी बोला इनके पति, यानी कि इसको काट के हम लिख सकते हैं महिला का पति। इसके लिए ये ट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो सिर्फ सोच कर भी यह समझ सकते हैं कि इनके पति की जगह पे क्या लिखना चाहिए हमें। अब हमेशा याद रखिएगा, मेरा या मेरी की जगह पे आता है वाक्य को कहने वाला। जैसे राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, तो मैं किसके लिए आया है? राम के लिए, खुद के लिए। तो उसी तरह से मेरे के लिए, मेरे की जगह पे कौन सा शब्द आएगा? मेरा या मेरी की जगह पे वाक्य को कहने वाला। तो वाक्य को कहने वाला कौन है? तो आदमी ने कहा। हमेशा याद रखिए, मेरा या मेरी की जगह पे वाक्य को कहने वाला आता है। तो इसका अब लाभ ये होगा कि अब मेरे की जगह पे कौन आएगा वाक्य को कहने वाला? अब इसमें क्या है? आदमी है। क्योंकि कभी कभी जब वाक्य को आदमी कहता है तो रिजल्ट अलग आता है, और उसी वाक्य को अगर महिला कहती है तो रिजल्ट अलग आता है, और कभी कभी दोनों ही सूरतों में रिजल्ट एक ही आता है। लेकिन फिर भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पर वाक्य को आदमी कह रहा है, तो आप अपने आप को पुरुष मानकर अपने पर सोचेंगे तो आपको समझने में ज्यादा आसानी होती है अपेक्षाकृत दूसरे के ऊपर रखकर सोचने में। इसीलिए मैं यहां पर जोर देता हूं कि आप अगर यहां पर आदमी है कहने वाला वाक्य को, तो अपने आप को पुरुष मानकर, अगर महिला है तो अपने आप को कुछ देर के लिए महिला मानकर अपने ही ऊपर सोचेंगे तो आसानी से उत्तर और जल्दी आएगा। तो इसलिए यहां पर आदमी वाक्य को कह रहा है, तो अपने आप को पुरुष मानकर अगर आप महिला हैं तो भी। मैं एक ही बात को कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको या हर किसी को आसानी से और अच्छी तरह से समझ में मेरी बातें आ सके। तो मेरे दादा का इकलौता बेटा, अगर आप एक बार में छोटा नहीं कर सकते तो किस्त किस्त में छोटे छोटे वाक्यों के रूप में हम छोटा करके देख लेते हैं। तो अगर कोई पुरुष का है, अपने आप को पुरुष मान के सोचिए कि मेरे दादा का इकलौता बेटा, और मैं जो स्लाइड लगाया था उस स्लाइड को भी या
अपने बुक से भी आप ऐसे सरलीकरण के शब्दों को एक बार देख लेंगे तो ऐसे वाक्य देखते ही आप सरल कर देंगे, दिमाग पर जोर भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे दादा के इकलौता बेटा अगर पुरुष भी कहे महिला भी कहे तो आंसर एक ही आएगा, मेरे पिता मेरे पिता। लेकिन इतना ही अभी छोटा हुआ है, अब ये बचा हुआ है, यानी अब पूरा वाक्य बन गया मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। तो इसके जगह पर क्या आएगा, मेरे पिता। अगर कोई पुरुष कहे मेरे पिता का इकलौता बेटा, मेरे पिता का इकलौता बेटा, यानी वह पुरुष स्वयं की तरफ इशारा कर रहा है। सरलीकरण वाले बातों को आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो यह समझना बहुत ही आसान है। मेरे पिता का इकलौता बेटा को अब काट के आप लिख सकते हैं मैं स्वयं, और अच्छा लगने के लिए हैं हूं जोड़ देना चाहिए। रिजल्ट आ चुका है, इसमें महिला नहीं बल्कि महिला का पति क्या है, मैं स्वयं हूं, डायरेक्ट इसमें रिजल्ट आ जाता है। तो अगर अब आपको समझ में नहीं आ रहा तो तीर ट्रिक का भी इस्तेमाल कर लीजिए, महिला का पति यानी ये मैं स्वयं हूं। तो याद रखिए मैं या मेरा या मेरी के जगह पे कौन आता है, वाक्य को कहने वाला यानी कौन, तो आदमी वाक्य को कह रहा है यानी कि आदमी स्वयं है। मैं को काट के लिख सकते हैं आदमी स्वयं है। तो अब देखिए का बराबर कौन है वाली ट्रिक का क्या मतलब है, जिस नाम से पहले जिस नाम के बाद का लिखा रहा है, यानी कि का से ठीक पहले जो नाम लिखा रहा है, जैसे इसमें का से ठीक पहले जो नाम लिखा रहा है उसी को बताना होता है कि ये कौन है। का से ठीक पहले जो नाम रहे उसी को बताना होता है ये कौन है, लेकिन किसके हिसाब से, तो अगला जो नाम लिखा रहता है उसके हिसाब से, यानी उस आदमी के हिसाब से। तो आप एक आदत बना लीजिए, महिला का लिखा है तो महिला को गोले में घेर दीजिए या टिक कर दीजिए, और अगला जो नाम है उस आदमी तो उसको उसकी तरफ ऐसा निशान बना दीजिए। वैसे तो ये आसान है बहुत, आदमी के हिसाब से ये क्या है महिला, तो पत्नी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यानी विकल्प में अगर पति भी लिखा रहता तभी भी हम पत्नी को ही टिक करते। और बाय चांस एक शर्त, एक बात ये भी है, बाय चांस पत्नी नहीं लिखा रहता और सिर्फ पति ही दिया रहता तो हम मजबूरी में विलोमानुपात टिक के माध्यम से उसको भी टिक कर सकते थे। लेकिन अगर दोनों ही लिखा रहेगा तो हम सिर्फ पत्नी को ही टिक करेंगे। इसी प्रश्न को अगर हम चाहें तो मुजबानी तरीके से भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो जब सबसे पहले आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही सरलीकरण करने का, फिर एक समय आएगा कि आप मुजबानी सोच सोच कर भी सरलीकरण आसानी से मन में ही कर सकते हैं। अगर हम तीर ट्रिक से इसको लगाते तो कैसे लगाते, तो एक महिला का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा इनके पति, इनके पति का मतलब कौन, महिला के पति। याद रखिएगा मेरे से इधर जो भी है और मेरे के बाद जो इधर है इसका सारा रिजल्ट जो अंत में आएगा एकदम अंतिम रिजल्ट, वो किसके लिए आएगा, पति के लिए आएगा। ये बात आप हमेशा रक्त संबंध में इशारा वाले प्रश्नों में याद रखिएगा, यही दिक्कत होती है। यानी महिला के पति, इनके पति यानी महिला के पति, तो जो भी रिजल्ट अब आएगा सरलीकरण करने के बाद ये या चित्र बनाने के बाद वो महिला के पति के लिए आएगा, इस बात को आप मत भूलिएगा। अब यहां से हम सॉल्व करें, मेरे दादा, तो मेरे का मतलब कौन, तो मैं का मतलब वाक्य को कहने वाला यानी आदमी। तो यहां पे लिख देते हैं हम आदमी, मेरे दादा का मतलब आदमी के दादा, दादा का मतलब पिता के पिता, ये आप पीढ़ी बनाना जानते होंगे। मेरे दादा के, तो दादा ये बन गए, इकलौता बेटा, इकलौता बेटा यानी कि ये खुद है, का इकलौता बेटा, तो का इकलौता बेटा यानी कि अब इधर नहीं बना सकते, इकलौता बेटा यानी ये खुद है, यानी ये आदमी है। तो यहां पर हम पहुंच गए, तो रिजल्ट पे हमारा ये आदमी आया। तो मैंने बताया था जो रिजल्ट अंतिम रूप से मेरे के बाद शुरू होता है वो किसके लिए आता है, तो इस पहले वाले अंतिम शब्द के लिए यानी महिला के पति के लिए आया, यानी कि महिला के पति क्या है, यही आदमी है, यानी महिला के पति यही आदमी है, यानी ये प्लस है ये माइनस है, ये पत्नी है और ये पति है। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आप मेरी बातों को समझ सकते हैं। आइए अब हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसानी से, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूं ताकि कम समझ में आने वाले छात्र को भी बहुत ही आसानी से समझ में आ सके।
तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, यानी यहां पे लड़की की तरफ इशारा है, और एक पुरुष ने कहा, यानी वाक्य को कहने वाला पुरुष है। तो वह मैंने बताया था यह वह के जगह पे कौन आता है, जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। तो किसकी तरफ इशारा है, लड़की। तो वह के जगह पे काट के आप लिख दीजिए लड़की। और इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, आप कॉमन सेंस से भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। और मैं या मेरे से शुरू होता है सरलीकरण। तो मेरे कहने वाला कौन है वाक्य, पुरुष है। तो अपने आप को पुरुष मानकर सोचिए कुछ देर के लिए कि अगर कोई पुरुष बोले कि मेरे बेटे का भाई, अगर आप एक बार में भी छोटा कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा थोड़ा करके छोटा करके बता रहा हूं। और कोई पुरुष बोले मेरे बेटे का भाई, तो इसको काट के आप छोटे में लिख सकते हैं, मेरे बेटे का भाई, यानी कि मेरा बेटा ही होगा। अगर मेरे बेटे का वो भाई है तो वो भी तो मेरा बेटा होगा, यानी कि मेरे बेटे का भाई भी कि जगह पे काट के लिख सकते हैं डायरेक्ट मेरा बेटा, लेकिन आगे भी वाक्य बचा हुआ है, इतना ही कटा है। मेरे बेटा की, अच्छा लगने के लिए का की जोड़ देना चाहिए, मेरे बेटे की माँ। तो अगर कोई पुरुष का है मेरे बेटे की माँ, तो इसको काट के लिख सकते हैं कि मेरी पत्नी, क्योंकि मेरे बेटे की जो माँ है वही मेरी पत्नी है। सरलीकरण वाले चार्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब आसानी से समझ सकते हैं। मेरे बेटे की माँ तक को आप काट के लिख सकते हैं मेरी पत्नी। और याद रखिए ये सारा काम मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूं, आप इकट्ठा ही करके निचोड़ के रख सकते हैं। मेरी पत्नी, अब इतना ही बचा है। और के बेटे की बेटी, मेरी पत्नी की, अब बस मैं इतना जोड़ रहा हूं, मेरी पत्नी का बेटा। तो मेरी पत्नी का बेटा कहिए या कह दीजिए डायरेक्ट कि मेरा बेटा। तो अब इसको काट के हम लिख सकते हैं मेरा बेटा। अब आगे बचा हुआ मेरा बेटा की बेटी, तो मेरा बेटा का बेटी कौन होगा, तो वो मेरी क्या होगी, पोती, यानी मेरी पोती। अच्छा लगने के लिए है हूं कर देना चाहिए, है, यानी पूरा रिजल्ट क्या है, लड़की मेरी पोती है। तो अब और खोल दीजिए, मेरी का मतलब वाक्य को कहने वाला, यानी कि पुरुष, यानी कि पुरुष की पोती है कौन, तो ये यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम यहां पे लिख दे रहे हैं लड़की, यानी लड़की पुरुष की पोती है। यहाँ पे थोड़े थोड़े मैं आपको समझाऊं, आप चाहें तो डायरेक्ट भी पूरा का पूरा एक बार में छोटा कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए अगर कोई पुरुष बोले मेरे बेटे का भाई, मेरे बेटे का भाई यानी कि मेरा बेटा, अब बेटे की माँ यानी मेरी पत्नी, अब मेरी पत्नी का बेटा यानी मेरा भी बेटा हुआ, यानी कि मेरा बेटा, अब मेरे बेटे की बेटी यानी कि मेरा पोती, यानी कि मेरी पोती है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, यानी लड़की मेरी पोती है, मेरी का मतलब आदमी की पोती है, लड़की आदमी की पोती है। अब देखिए का बराबर कौन है, वाली ट्रिक से हम देखते हैं किसके तरफ से पूछा जा रहा है, तो लड़की का। अब अगर फिर भी आपको ना समझ में आ रहा है तो आप चाहें तो तीर वाले ट्रिक से पीढ़ी के हिसाब से बना दीजिए, लड़की क्या है, आदमी की पोती है, आदमी यहां बना दीजिए, लड़की जो है आदमी की पोती है, यानी कि लड़के की लड़की है। तो अब देखिए क्या पूछ रहा है, लड़की का, तो लड़की वो गोले में घेर दी, यानी इसी को बताना है ये कौन है, किसकी तरफ से, उस पुरुष की ओर से, यानी उस आदमी की तरफ से। तो ये आदमी लड़के का लड़का, यानी इसकी पोती हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा पोती। इस विकल्प को आप गलती से टिक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नाती भी दिया है और पोती नहीं दिया है। इस प्रश्न को हम तीर विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए ट्रिकी वीडियो जिसका आविष्कार मैं खुद करता हूँ आपके लिए समय समय पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।